हेलो फ्रेंड्स, यह ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भ में शिशु के दिल की धड़कन कौन से महीने से धड़कने लगती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल से यह ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद सही गर्भवती महिला अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के हर एक एक्टिविटी को जानने के लिए उत्सुक रहती है। उन्हें बहुत ही बेसब्री से इस बात का इंतजार रहता है कि गर्भ में उनके शिशु के दिल की धड़कन कब आएगी, शिशु के हाथ पैर के नैन नक्श कब बनेंगे, वो शिशु के मूवमेंट को कब महसूस कर पाएंगी और कब उनका शिशु जल्द से जल्द उनके गोद में आ जाएगा। और ये उत्सुकता उन गर्भवती महिलाओं में और भी ज्यादा होती है जो पहली बार बेबी कंसीव की होती है, यानी जो पहली बार गर्भ धारण की होती है। पहली बार प्रेग्नेंट हुई लेडी को बहुत ही बेसब्री से इस बात का इंतजार रहता है कि उनका शिशु उनके गर्भ में कब मूवमेंट करेगा और वो मूवमेंट उनको कैसा महसूस होगा। लेकिन गर्भ में शिशु मूवमेंट तभी करेगा जब शिशु गर्भ में अपना पहला पड़ाव पार करेगा, यानी जब गर्भ में शिशु की दिल की धड़कन समय पर आ जाएगी। तो आइए जानते हैं गर्भ में शिशु की दिल की धड़कन कौन से महीने से धड़कना शुरू हो जाते हैं और आप कब अपने शिशु के दिल की धड़कन को सुन पाएंगी। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होते हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन कई बार बहुत सी गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के कोई लक्षण महसूस नहीं हो पाते, उनकी प्रेगनेंसी का पहला मंथ भी गुजर जाता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। लेकिन उनके गर्भ के भीतर धीरे धीरे उनके शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे गर्भ के भीतर शिशु का विकास होना शुरू होता है तो सबसे पहले शिशु के पूरे बॉडी में शिशु के दिल की धड़कन ही बनती है, यानी शिशु के दिल की धड़कन ही आती है। जब प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में पहुँच जाती है, यानी गर्भावस्था के दूसरे महीने में पहुँच जाती है, जब प्रेग्नेंट वुमेन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के तीसरे या चौथे सप्ताह में पहुंच जाती है, तब जाके उनके गर्भ में शिशु के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, यानी उनके गर्भ में शिशु के दिल का धड़कना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में शिशु काफी छोटा होता है, इस वजह से उस समय शिशु के दिल की गति काफी कम होती है, यानी बहुत ही धीमी होती है। उस समय गर्भ के भीतर शिशु का दिल बहुत ही धीमी गति से धड़कता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन और मंथ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे गर्भ में आपके शिशु का विकास होता जाता है और शिशु के दिल की धड़कन की में भी तेजी आती है। और प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में पहुंचने के बाद शिशु के दिल की धड़कन दूसरे मंथ की अपेक्षा काफी ज्यादा तेज हो जाती है। और प्रेगनेंसी के इसी थर्ड मंथ में आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु के दिल के धड़कन को अल्ट्रासाउंड के जरिए सुन भी सकती हैं। प्रेगनेंसी के तीन महीने के बाद से आपके गर्भ में पल रहे आपके शिशु के दिल की धड़कन की गति घटती और बढ़ती रहती है। ऐसे में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं और किसी अल्ट्रासाउंड में आपको अपने शिशु के दिल की धड़कन की गति बढ़ती नजर आती है, किसी में घटती नजर आती है, तो चिंता बिल्कुल न करें। एक नॉर्मल बात है जो पूरी प्रेगनेंसी हर प्रेग्नेंट वुमेन और हर गर्भ में पल रहे शिशु के साथ होता ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि गर्भ में पल रहे आपके शिशु के दिल की धड़कन गर्भावस्था के कौन से महीने से धड़कना शुरू हो जाते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।